आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आज है होली और हम सब लोग मंदिर आए क्योंकि आज मेरे बच्चे का जन्म है। यहाँ पर जन्म बोलते हैं तो उसका जन्म होता है और लड़का होता है, तो हमें सब कुछ करना। उस दिन मेरे उपवास था मेरे और भाविस को, तो मैंने यहाँ पर टिक्की बनाई थी साबूदाना और जो बटे का आता है यानी कि आलू उबले हुए आलू के, और भाविस यहाँ पर सैदा नमक लेकर आए थे। सैदा नमक क्या होता है उपवास में हम खा सकते हैं, तो भाविस मुझे दिखा रहा था इतना है तो ये चलेगा, मैंने बोला ओके वो चलेगा। तो उन्होंने मुझे टेस्ट कराया तो बस यहाँ पर मैं सैदा नमक डालकर इस तरह से मैंने टिक्के बना दिए। बस अब उसे मुझे तलना है, अभी इसी वक्त मैं तल दूंगी और खाने पीने के बाद मुझे कहीं बाहर जाना है क्योंकि बच्चे के लिए मुझे कुछ कपड़े लाने थे जो मुझे मिल नहीं रहे थे, वही मुझे लेने के लिए जाना है, तो बस वही मैं लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर हम मम्मी भाई के लिए कुछ नाश्ता कर रही है क्योंकि उसको भी कुछ खिलाना चाहिए इसीलिए। तो बस यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो रहा है और जब गर्म हो जाए तब मैं उसको अच्छे से तल दूंगी और फिर हम खा पी कर रेडी हो जाते हैं क्योंकि शाम के टाइम हमें होलिका माता की वहाँ पर भी जाना होता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे को दर्शन ये सब कुछ करवाना होता है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से तल लेती हूँ। तो सो अच्छे से कुरकुरी हमारी टिक्की बनकर रेडी हो चुकी थी, तो बस अभी मैं खा लेती हूँ और उसके बाद बच्चे को मोर पिलाने के लिए फी आती है, तो बस यहाँ पर उसको हम हंसा रहे थे और यहाँ पर उसकी फी आई थी। तो जो क्या होता है आम का मोर होता है वही मोर हम उसे बच्चे को पिलाते हैं, तो बस उसे हम 5 बार पिलाएँगे। क्या होता है जब होली माता का बल का बच्चा दिखता है तब उसको कुछ भी नहीं होता, ये सब लोग मानते और मैं भी मानती हूँ क्योंकि सब लोग मानते, क्योंकि कोई इस तरह से तो नहीं मानता होगा, वो बरसों से पुराना है तो बस हमें वही रस्म करनी चाहिए। तो यहाँ पर मोर पी रहा है और काफ़ी अच्छा खेल रहा था, तो बस उसी खेल खेलने में हमें उसकी मोर रस्म कम्प्लीट करती है। तो बस अभी ये तो कम्प्लीट हो गया है और अब हम रेडी हो चुके हैं। तो आज मैंने पहनी है सारे बच्चे को मैंने कैप है सब कुछ पहना कर रेडी कर, शाम का टाइम है ये अच्छा ना लेकर जाना होता है मंदिर में, तो बस यहाँ पर मैंने दाढ़ी ये सब कुछ ले रही है। तो अब मैं हमारा फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने पहनी है साड़ी, येलो कलर का ब्लाउज है और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, तो कैसा लग रहा है मेरा ये फाइनल लुक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस अब हम चलते हैं मंदिर में, तो वहाँ पर किस तरह से महाराज पूजा करवाते वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम मंदिर में आ गए थे, यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता माता का और कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो बस यहाँ पर मैं बच्चे को यहाँ पर मेरी गोदी में बिठा कर दर्शन करवा रही थी और आपको ये भी दिखा रही कि जो हम जाते हैं क्या करते हैं सब कुछ, मुझसे जितना शूटिंग हो सका उतना मैंने आपके सामने किया। और बच्चे को यहाँ पर सुलाते और जो दिया जोत होती है वहाँ से और बच्चे को अच्छे से आशीर्वाद देते हैं महाराज, और फिर उसके हाथ में पैसे और जो नारियल होता है वही क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं, बट बस उसको हाथ में देते। और बस इसी तरह से हमारी रस्म कंप्लीट हुई फाइनली। अब हमारा बच्चा जो होलिका पड़का होता है वही देखकर उसकी पूजा हो चुकी है, तो अच्छे से हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका था क्योंकि ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है बच्चे को जब टाइम टाइम जो जितना होता है उतना हमें करवाना चाहिए, और फिर हम यहाँ पर उसका माथा टिकाते हैं क्योंकि मंदिर के सामने। तो बस ओके आई एम सो वेरी हैप्पी। बट अब हम आए घर, तो यहाँ पर हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका। तो होली के दिन क्या खाना बनाते हैं वही भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज खाने में बनी थी दाल चावल और मीठा पुल्ला, हमें यहाँ पर मालपुआ बोलते, तो यहाँ पर मैंने मालपुआ और लहसुन की चटनी बनाई थी। तो चलिए अब हम अच्छे से खा लेते हैं क्योंकि सुबह से मेरा उपवास था, मैंने बस 1-2 टिक्की खाई थी कुछ भी नहीं खाया था। तो मैं खा लेती हूँ और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, क्या करो मुझे इतनी तो हेल्प करो आप। तो बस यहाँ पर मैं खा रही हूँ और सब कुछ अच्छे से
पूरा हो गया है। तो मेरी साड़ी मुझे मुझ पर कैसी लग रही थी मुझे बताइए। मैंने कुछ दागिने भी गोल्ड वेयर किया था तो कैसा लग रहा था वो भी आप मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पर बच्चों बॉयज़ ने कपड़े चेंज करवा दिए और यहाँ पर जो बॉडी लोशन ये सब कुछ होता है बॉयज़ लगा रहे क्योंकि वो उसको नए कपड़े पहना थे वो अनकंफर्टेबल बच्चे रहते हैं तो उसकी वजह से हमने सारे कपड़े निकाल दिए और जो उसके कंफर्टेबल कपड़े होते वही हमने पहना दिए क्योंकि बच्चा जब कंफर्टेबल कपड़े पहनता है तो अच्छे से खेलता है अच्छे से घूमता है अच्छा सा मौज मस्ती करता है। तो बस इसी वजह से हमने उसको कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए और फेस पर की क्रीम लगा दी है क्योंकि वहाँ पर ले गए। तो मैंने जो होलिका के वहाँ गए थे तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था पर मेरे फ्रेंड ने बनाया था तो वही वीडियो मैं आपको लास्ट मैं दिखा देती हूँ किस तरह से की थी होली। तो बस हमारा यहाँ शाम का टाइम ख़त्म होता है सुबह से लेकर शाम तक यही बस इसी तरह से चलता रहा हमारा दिन। तो कैसा लगा वीडियो और बस ऐसे नए नए वीडियो और अब मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ तो आप शॉर्ट्स वीडियो पर भी काफ़ी अच्छे और मुझे रिस्पांस देते रहिएगा और काफ़ी अच्छा मुझे प्यार देते रहिएगा। ऐसे मैं नए नए वीडियो अपलोड करती रहूँगी और एक नया वीडियो मैं कल शेयर करूँगी। और सुबह हो चुकी तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी मम्मी बना रही है तो किस तरह से तो उबले हुए आलू थे उसे अच्छे से मैंने मैश कर दिए और यहाँ पर मैं कुकर में बनाऊँगी। और क्या होता है मैं टमाटर की प्योरी लेकर ही सब्ज़ी बनाऊँगी तो कैसे बनती वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको बस ऐसे चले नहीं जाना। तो मैंने आलू हींग और जो खड़े मसाले थे सब कुछ मैंने लिए और तेल पर मैंने अभी नहीं कुकर में डाला तो बस मैं तेल भी ले लिया और अब मैं उसको यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर जीरा ऐड किया और जीरे से मैं और उसका तड़का लगाऊंगी। क्या होता है जीरा का तड़का काफ़ी अच्छा रहता है और सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो सो यहाँ पर आलू और हींग मैंने डाल दिए और यहाँ पर मैंने टमाटर की प्योरी भी ऐड कर दी और उसे अच्छे से मैं सेंक लूँगी और अच्छे से ऊपर तेल तेल के तरह आने लगेगा तब मैं बटेके की और जो हमने कट किया था वही मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस ये दूसरे दिन का था। तो सो हो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक करें। ऐसे रिलेटिव होम के रिलेटिव और ऐसे वीडियो देखना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय।